किसी भी एक काम को करके कोई भी एक व्यक्ति सफल हुआ है या अमीर हुआ है, याद रखिए आप भी उस काम को करके सफल हो पाएंगे और अमीर भी बन पाएंगे। बस उस काम को करने के वे तरीके खोज लीजिए। आप, मैं आपको बताता हूँ कि अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए वे लोग कौन सा काम करते हैं, कौन सा एक ही काम करते हैं। सिर्फ एक ऐसा काम है जिस काम को करके कोई भी इंसान अमीर बनता है और सफल होता है। जो लोग उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं, अमीरी बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, वो लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं। आप भी उसी एक काम को करिए और आप सफल हो जाएंगे। पहला काम और आखिरी काम, देना शुरू कीजिए, बोना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। मैं कहता हूं कि आपके पास देने के लिए इसी वक्त बहुत कुछ है और सब कुछ है। सबसे पहला देने का काम आप भावनाओं से देना शुरू कीजिए, अपनी इमोशन से, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने विचार से। तो देना मतलब कि आप खुद को देना शुरू कीजिए। अगर आप बार बार अपने आप को बुरा इंसान कहते हैं, असफल इंसान कहते हैं, सोचते हैं, या आप सुंदर नहीं हैं ऐसा सोचते हैं, या आप कामयाब नहीं हैं, या आप योग्य नहीं हैं ऐसा आप कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को यही चीजें दे रहे हैं। क्या आप नाकामयाब इंसान बनना चाहते हैं? नहीं। तो आप क्यों अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि मैं उनकी तरह योग्य नहीं हूं, कामयाब नहीं हूं, बुद्धिमान नहीं हूं, मैं किसी और की तरह, मैं सुंदर नहीं हूं, या मैं बहुत ही स्मार्ट नहीं दिखता हूं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। ये सारी बातें किसी भी नाकामयाब इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन आप तो कामयाब बनना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप ये बार बार क्यों कहते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, घर अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, या मेरी जेब खाली रहती है, या मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, या अच्छा सा मोबाइल नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। जब आप इन बातों को बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि सोचते हैं तभी तो बोलते हैं, बिना सोचे तो बोलेंगे नहीं। और जब आप सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी भावना भी वहीं पर है, यानी कि आप बैड फीलिंग कर रहे हैं, उदासी, हताशा, निराशा, चिंता से घिरे हुए हैं। जब आप इस इमोशन में होते हैं तब आप ऐसे ही शब्द बोलते हैं और ऐसे ही विचार सोचते हैं, आपके माइंड में ऐसे ही विचार आते हैं, नकारात्मक विचार। यानी कि जब आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, अपने लिए बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, गरीबी की बातें सोचते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद को वही दे रहे हैं, वही बो रहे हैं खुद में, और वही चीजें आपकी जिंदगी में होती चली जाएंगी। ये एक जादू की तरह काम करता है, ये एक जादू है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि पता नहीं मेरी जिंदगी में सचमुच में अमीरी आएगी, सफलता आएगी, कामयाबी आएगी या नहीं आएगी। ये उन ऐसे लोगों के लिए जादू है। और जादू कैसे है? अब आप जस्ट अपोजिट बोलना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, आप खुश रहना शुरू कीजिए। आप खुश रहने के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस ले सकते हैं। पहला ऑप्शन, आपके घर के लॉन में या घर के कमरे में खेलना शुरू कर दें, कूदना शुरू कर दें। आप मत सोचें कि एक बड़ा सा पार्क हो, या किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएं, या किसी हिल स्टेशन पर जाएं तो वहां पर आपको खुशी मिलेगी, बिल्कुल ही नहीं। आप जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहीं पर आप खुश रहने के लिए हर वो काम करना शुरू कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है।
चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आपको कोई भी एक गेम खेलकर खुशी मिलती है तो आप गेम खेली। मतलब कि अगर आपको ये लगता है कि दाल चावल रोटी सब्जी खाना आपको अच्छा लगेगा तो वो खाइए, और अगर आपको ये लगता है कि कोई आपकी मनपसंद का गाना सुन के डांस करना अच्छा लगेगा तो आप ऐसा कीजिए, बंद कमरे में कीजिए, आप खुश रहिए और बार बार कहिए हू, बस ये बोलिए ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो खुशी की एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, खींचना शुरू कर दे, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी जिंदगी, सचमुच की वो जिंदगी, अमीरी और सफलता की जिंदगी जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, यहीं से शुरू होती है, यही वो शुरुआत है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की पहली स्टेप यहीं से शुरू होती है। सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहले स्टेप पर आपको यही करना है, और कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कॉमेडी सीरियल देखें, या आप बस यूं ही कूदना शुरू कर सकते हैं, बस अगर आपको उससे थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो। मतलब आप अपने आप को खुशी दे रहे हैं। आप सफलता और अमीरी को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आप को खुशियां देना शुरू कर देंगे। खुशियां, शांति, स्वयं को सुंदर समझना शुरू कर दीजिए, स्वयं को इंटेलिजेंट समझना शुरू कर दीजिए, स्वयं को महान समझना शुरू कर दीजिए, और मान लीजिए कि हर अमीर और सफल इंसान में ये सारे गुण होते हैं। दिस इज क्वालिटी, आपकी ये क्वालिटी है, आपके ये गुण हैं, आप इन गुणों को तराशिए, और तभी हो सकता है जब आप बार बार इन्हीं बातों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करके रखेंगे और सोचते रहेंगे, करते रहेंगे। जिसके साथ भी मिलिए उसको देने के लिए सोचिए, लेने के लिए नहीं। क्या दे सकते हैं आप? स्माइलिंग तो दे सकते हैं। आपके पास अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है, फिर भी आप खुशी के दो शब्द बोल सकते हैं, उसको हंसा सकते हैं। मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं जब भी मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए जाता हूं तो हर उस सब्जी वाले से कोई ना कोई एक ऐसा मजाक करता हूं। मैं एक मजाक बताता हूं कि एक लड़का 12 से 14 साल का होगा जो कि अपनी सब्जी की दुकान पर सिर्फ मूलियां बेच रहा था, मूली, राइट। और मैंने उसकी दुकान पे अपनी कार खड़ी की और उसको बुलाया, मैंने कहा कि मुझे 20 रुपए की मूली दे दो। उसने 4 या 5 मूली निकाल के पन्नी में रखा और उसके जो पत्ते हैं उसको ऊपर की तरफ से रखा हुआ था और मूली जो थी नीचे थी, वो पन्नी के अंदर थी। और मेरी छोटी बेटी 5 साल की है, वो मेरे साथ थी गाड़ी में, बस 1 मिनट में वो लेना था और चले जाना था। जैसे ही वो मुझे पन्नी में रख के मूलियाँ दे रहा था तो ऊपर की तरफ सिर्फ पत्तियाँ दिखाई दी। मुझे मालूम है कि नीचे मूलियाँ हैं, 4-5 मूली हैं, ठीक है। तो मैंने उसको हंसाने के लिए एक उसी बात को इस तरह से बोला, क्यों भाई सिर्फ पत्ते ही दे रहे हो, मूलियाँ कहाँ हैं? अब वो बच्चा थोड़ा हैरान भी हुआ और फिर हंसा भी, मुस्कुराया भी, और मेरी बेटी ठहाका लगा के हंस रही है और मुझे भी हंसी आई। ओह, मैंने तुरंत ऐसा क्या कह दिया, और वो हंसा और मैं मूली लेकर चला गया। अब मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ, मैंने कुछ ऐसी चीज दी और उसको अच्छा लगा, खुशी मिली, मैं भी हंसा, मैं भी खुश हुआ, वो भी हंसी और खुशी। और जब भी मैं बाद में दूसरी बार मार्केट में आता था सब्जी लेने के लिए तो मेरी बेटी कहती थी कि पापा इसको कुछ कहो, ऐसा ऐसा कुछ कहो, मतलब अच्छा लगेगा, कुछ दोबारा कहो, उसी मूली वाले के यहाँ दोबारा चलो। तो जब भी वहाँ से क्रॉस होता हूँ तो वो लड़का, वहाँ रुकता हूँ तो वो लड़का आता है, कहता है क्या मूली चाहिए आपको? मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, मैंने ले लिया है, वगैरह कुछ भी ऐसा कहकर निकल जाता हूँ। मीन्स कि आप अपनी हर एक्टिविटी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे करने के लिए आपके पास किसी भी 1 रुपए को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आप दे देंगे, बहुत कुछ दे देंगे, बस आप देना शुरू कीजिए। शुरू से लेकर आखिरी तक, सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर सोने तक, आप अपने आप को दीजिए, यूनिवर्स को दीजिए, घर को दीजिए, परिवार के मेंबर्स को दीजिए, क्या दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वेव्स, ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ये सारी चीजें देना शुरू कीजिए, बोलिए,
और सोचिए और कहिए, यस आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। आप बोलते रहिए, घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप बार बार दे सकते हैं, हर समय दे सकते हैं। आप बंद कमरे में एकांत बैठे हैं, वहां पे थैंक यू बोलिए और दुनिया को हील कीजिए, मतलब वाइब्रेशन दीजिए पॉजिटिव। शांति है, सुख है, चैन है, सभी लोग अच्छे हैं। यस, आप करते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए और देखिए आपके पास कितना ज्यादा भरपूर आता है आपके काम से। आपकी सारी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आप अमीर बन जाएंगे, बहुत पैसा आएगा, आपके कार्यों से लोगों को बहुत आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, खुशी मिलेगी, बदले में आपको पैसे देंगे। तो दोस्तों, अमीर बनिए। अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए एक ही काम करिए और देना शुरू कीजिए। याद रखिए, आज से पहले किसी भी व्यक्ति ने किसी एक काम को किया और सफल हो गया, अमीर बन गया, आप भी उस काम को करके सफल और अमीर बन सकते हैं। थैंक यू।